Hello everyone, ACL school exams with an academy by buying an academy plus subscription and 10% off using the code Manan10. So welcome to the class. My name is Manan. I'm your maths educator on academy per and I have over 5 years of teaching experience with a degree in BE electrical and electronics engineering from 2017 batch from MBM engineering college Jodhpur. Aaj aapko main padhane wala hu class 6 ka maths ka chapter number 5 जिसका पार्ट टू हमने पार्ट वन पहले कवर कर लिया है जिसमें लाइंस एंड हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था. नाउ वी विल बी लर्निंग अबाउट द शेप्स. ओके, शेप्स में क्या क्या आती है, हम पॉलीगन्स पढ़ेंगे, हम उसके बाद ट्राइंगल्स को क्लासिफाई करेंगे एंड हम थ्री डायमेंशनल शेप्स पढ़ेंगे. ओके, सो इफ यू आर रेडी देन वी विल स्टार्ट इट. सो लेट्स स्टार्ट इट. पॉलीगन्स, पॉलीगन का मतलब क्या है, हम आज चालू करते हैं. ठीक है, सो पॉलीगन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, पॉली एंड गॉन. पॉली का मतलब होता है मैनी एंड गॉन का मतलब होता है साइड्स. सो पॉलीगन का मतलब क्या बना, बेसिक तरीके से हमारे पास बना मैनी साइड्स. पॉलीगन इज मैनी साइड्स. बट मैनी साइड्स तो ठीक है, बट क्या इतना ही मतलब होता है पॉलीगन का? नो, पॉलीगन का इसका एक और मतलब होता है क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस. यस, स्ट्रेट लाइंस. सर्कल इज नॉट अ पॉलीगन. ओके, पॉलीगन स्ट्रेट लाइन से बना होता है. नाउ क्या हम दो लाइन से पॉलीगन बना सकते हैं क्लोज्ड फिगर? ये लो दो लाइंस. कभी भी किसी भी तरह से ये क्लोज्ड फिगर नहीं बना पाएगी, राइट? सो मिनिमम वी नीड थ्री लाइंस टू मेक अ पॉलीगन या क्लोज्ड फिगर व्हिच इज अ ट्रायंगल. तीन वाले को बोला जाता है, थ्री साइड्स वाले को ट्रायंगल, चार साइड्स वाले को बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल्स, पांच वाले को पेंटागन. पेंट मतलब पांच, हेक्स मतलब छह, हेप्ट मतलब सात, octa means 8, nona means 9 and deca means 10. Okay, these are the basic notations जो हम use करते हैं. अब आप पूछेंगे 11 क्या होता है, 12 क्या होता है. 12 को हम dodecagon बोलते हैं, 11 को हम undecagon बोलते हैं, but उसकी इतनी need नहीं है. मतलब हमें basic मतलब समझ आना चाहिए that gon मतलब number of sides and उससे पहले जो word लिखा होगा that will define कि उसकी कितनी sides है. ठीक है, तो चलो जैसे कि triangle ये रहा. अब क्वाड्रिलेटरल में चार साइड्स होती है, बट क्वाड्रिलेटरल्स आर ऑफ मेनी टाइप्स. मतलब कि ये एक रेक्टेंगल इस तरह से है या फिर एक रेक्टेंगल इस तरह का हो सकता है. हम इससे एक स्क्वायर भी बना के दे सकते हैं, राइट? हमारे पास पैरेललोग्राम भी आता है, हम सेवन क्लास में पढ़ते हैं पैरेललोग्राम रोम्बस के बारे में. ट्रेपीजियम बनता है, एक अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग चीजों के. ओके, ये हो गया बेसिक्स हमारे. पेंटागन ये रहा आपके सामने, पांच साइड से बना हुआ है. सिक्स साइड का हमारे पास हेक्सागन बना हुआ आ रहा है. सेम सेवन साइड्स का बना हुआ हमारे पास हेप्टागन, नॉट सेप्टागन. मैं क्लियर कर रहा हूं, कभी भी आप सेप्टागन नहीं बोलेंगे, दिस इज अ रॉन्ग वर्ड. इसको हेप्टागन बोला जाता है क्योंकि हम ये ग्रीक लैटिन ये वर्ड्स यूज करते हैं जहां पे सेवन का मतलब हेप्ट होता है. ओके, नॉट सेप्ट. तो ये हो गया हेप्टागन, ये हो गया हमारा ऑक्टागन. ध्यान से देखो, एट साइड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड मैं मार्क कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एट साइड्स का ऑक्टागन. ये है 10 साइड्स का डेकागन. ओके, ये सारे हो गए हमारे पॉलीगन्स. 9 का नहीं बनाया, बट क्योंकि आप समझ गए होगे 9 मतलब नॉनागन हो जाएगा. ठीक है, 9 साइड से मिलके बना होगा. नाउ ये ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वो ऐसा ही दिखेगा हमेशा. कैसे? पेंटागन आपको इस तरह का भी मिल सकता है, जरूरी क्या है, पांच साइड से बना होना चाहिए. आपको इस टाइप का भी मिल सकता है पेंटागन. ये देखो पांच साइड है, कुछ भी बना दो, पांच साइड एंड अ क्लोज्ड फिगर. सो पॉलीगन की डेफिनेशन के हिसाब से जो नंबर ऑफ साइड्स आप डाल रहे हैं उसके हिसाब से उसका नाम रखा जाएगा, और अगर क्लोज्ड फिगर है तो आगे गॉन लगा देना, दैट विल बी द फिगर हमारा. बट हमारी क्लास के अंदर हमें यहाँ पे मेन चीज पढ़नी है विच इज ट्राइंगल्स. ओके, क्लासिफिकेशन होता है ट्राइंगल्स का दो तरीके से होता है. मैं दोनों तरीके पढ़ाऊंगा डिटेल में, आप समझने की कोशिश कीजिएगा. एंड किसी को नोट्स बनाने हैं तो स्लाइड्स इसी तरह से बनी है कि आप नोट्स इजीली बना पाएंगे अपने साथ में पढ़ते पढ़ते. ठीक है, सो ट्राइंगल्स को एक बार क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. साइड्स की लेंथ के हिसाब से करते हैं आइडेंटिफाई इन्हें. हमारे पास तीन चीजें मिलती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल, जहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ साइड देखनी है. इक्विलेटरल, इक्वी के अंदर क्या आ रहा है, इक्वी नाम आ रहा है ना, इक्विलेटरल में मतलब कुछ इक्वल होगा. तो अ ट्राइंगल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल, या फिर वो ट्राइंगल जिसमें सारे एंगल्स इक्वल होते हैं. ये देखो ये वाली डेफिनेशन बात की है, इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है,
हमें पहले साइड की लेंथ का मतलब है, अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो गई उसे बोला जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, दिखेगा कैसा? देखो छोटा बड़ा हो सकता है, क्या पता हमारी साइड 5 सेंटीमीटर की हो तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 और ये भी 5 सेंटीमीटर, या फिर कोई साइड 3 सेंटीमीटर की भी हो सकती है। सो 3, 3 एंड 3 की ये साइड्स हो जाएगी। मान लो आपको, चलो एंगल वाली डेफिनेशन भी समझनी है, तो एक एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल फिक्स्ड 60 डिग्रीज के होते हैं। आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण ये 60 बनते हैं। ठीक है, तीनों इक्वल होते हैं। चल सो ध्यान देना, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कुछ भी हो सकती है, मतलब 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, बट क्या जरूरी है? तीनों साइड्स इक्वल होगी, ये भी इक्विलेटरल बोला जाएगा, ये भी इक्विलेटरल बोला जाएगा। ओके चल, इक्विलेटरल पढ़ लिया, तो नेक्स्ट कम्स आइसोसेलेस ट्रायंगल। बच्चा, अ ट्रायंगल इन विच एनी टू साइड्स इक्वल, मैंने एनी क्यों लिखा है, मैं एक एक वर्ड का मतलब समझाऊंगा। सो मैंने एनी टू क्यों लिखा है, क्योंकि ट्रायंगल में तीन साइड्स होती है, और नॉर्मली ट्रायंगल हमें इस तरह से दिखाया जाता है कि ये दोनों इक्वल है। ऐसा जरूरी नहीं है, आपको ये और ये भी इक्वल मिल सकती है, ये भी आइसोसेलेस है और ये दोनों इक्वल होगी तब भी आइसोसेलेस है। ठीक है, और जो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है उसके सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं, मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारे सामने दो टाइप के ट्रायंगल्स मैंने बनाए हैं, एक लंबा है और एक चौड़ा है। ठीक है, इसके अंदर अगर मेरी ये और ये साइड इक्वल हो गई, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, लेट से ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 है और ये लेट से 4 सेंटीमीटर है, दो साइड इक्वल है, इट विल बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इस साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल आ रहा है, इस साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल आ रहा है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के। इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल्स इक्वल, आइसोसेलेस में कोई भी दो साइड्स इक्वल और उनके सामने के दोनों एंगल इक्वल। मान लो ये ट्रायंगल के अंदर ये और ये साइड इक्वल थी, लेट से ये दोनों 4 सेंटीमीटर की है और ये लंबी दिख रही है, तो मैं इसको 6 का बना रहा हूँ, ये दोनों इक्वल है तो ये आइसोसेलेस है, और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि 4 के सामने वाले, दोनों 4 के सामने इक्वल एंगल्स होंगे। अच्छा एक चीज मैं पहले ही बता दूं, आपका डाउट है उससे पहले, ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा कि ये 6 है ये 4 है, तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये 40 हो जाएगा, ये गलत तरीका है। ठीक है, ये गलत तरीका है, एंगल साइड के हिसाब से आप रेशियो में मत लेना कभी भी, अगर किसी को आता है तो, अगर किसी को रेशियो समझ आते हैं पहले से तो मत लेना इस हिसाब से। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ट्राइंगल में ऐसा काम नहीं करते एंगल्स। बट हाँ, जो भी दो साइड्स इक्वल है ना, उनके सामने के एंगल जरूर इक्वल होंगे, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन है हमारे। ओके, नाउ कम्स द थर्ड काइंड ऑफ ट्राइंगल्स विच आर द स्केलन ट्राइंगल्स। स्केलन ट्राइंगल्स में क्या होता है, ट्राइंगल इन विच नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल। तीनों इक्वल थी, एक बार दो इक्वल हुई, अब तीनों अनइक्वल हो जाएगी, उसको बोला जाएगा स्केलन ट्राइंगल। इसके अंदर तीनों एंगल भी अनइक्वल होता है, तीनों साइड्स अनइक्वल तो एंगल भी अनइक्वल। ओके, कैसे? जैसे ये ट्रायंगल बना हुआ मेरा ए बी सी, ये मैं मान लेता हूँ 2 सेंटीमीटर, क्या ये मुझे 6 सेंटीमीटर दिख रही है? बड़ी दिख रही है, बस मुझे दिख तो क्या रही है, और ये 5 सेंटीमीटर। फिर एक और ट्रायंगल बनाया पी क्यू आर, इसको भी सेम साइड दे दी मैंने, पर ये 7 सेंटीमीटर कर दी और ये 8 सेंटीमीटर कर दी। ठीक है, दो ट्रायंगल ऐसे अलग अलग तरीके के दिख रहे हैं, बट एक चीज कॉमन है कि तीनों साइड्स अनइक्वल है। सो बोथ हैव स्केल एंड ट्रा बोथ आर स्केल एंड ट्राइंगल्स। ओके, दो ट्राइंगल जो अलग अलग दिख रहे हैं, दे आर द स्केल एंड ट्राइंगल्स, दैट्स इट, और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो हमने ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन एक तरीके से कर, जहां पे साइड्स अलग भी कर दी हमने, कोई दो भी इक्वल कर दी और कोई तीन भी इक्वल कर दी। बट द नेक्स्ट थिंग कम्स इज उनके एंगल के बेसिस पे हम उन्हें क्लासिफाई करेंगे। साइड के बेसिस पे क्या क्या होगी, रिपीट करो मेरे साथ, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल, तीन हो गई। एंगल्स के बेसिस पे क्या होगा, तीन तरह के नाम, एक्यूट, अपराइट और अब्ट्यूस। मैंने पिछली क्लास में एंगल्स के बारे में पढ़ाया था कि स्ट्रेट लाइंस, राइट एंगल, कंप्लीट एंगल क्या क्या होते हैं। उसी के अलावा राइट एंगल से छोटा कोई भी एंगल होगा तो वो अक्यूट होगा, राइट और स्ट्रेट एंगल के बीच में कोई एंगल आएगा तो उसे ऑब्ट्यूज बोला जाएगा। ठीक है, क्या मतलब है इसका, अभी समझते हैं। अक्यूट एंगल ट्राइंगल्स, अक्यूट एंगल ध्यान है ना, अक्यूट एंगल वो एंगल जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा, ना वो जीरो होगा
ना वो 90 होगा, 90 होते ही वो राइट एंगल बन जाएगा और 0 होते ही कुछ बचेगा ही नहीं, इसीलिए 0 से 90 डिग्री, मतलब कि यस 0.1 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल, 89.9 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल, इनके बीच में सारे अक्यूट है, ठीक है। सो ट्राइंगल्स जिनमें तीनों ही एंगल अक्यूट हो जाए, ऐसे ट्राइंगल्स जिनमें तीनों ही एंगल अक्यूट हो जाए उसे ही बोला जाएगा अक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसका ये मतलब भी है कि तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे। डेफिनेशन याद करनी है बस हमें, अक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब सारे अक्यूट एंगल्स, ठीक है। जैसे ये ट्राइंगल मान लो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मैंने बोला ये मैंने 4 सेंटीमीटर साइड वाला बनाया, तो इसके अंदर जो एंगल्स होंगे ना वो बनेंगे फिक्स्ड, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर इक्विलेटरल वाले के अंदर 60 डिग्री बनते हैं, तो तीनों एंगल्स हो गए 60 60 60। क्या मेरा 60 डिग्री 0 डिग्री से बड़ा है, 90 से छोटा है? यस। तो क्या 60 डिग्री एक अक्यूट एंगल हुआ? तो क्या तीनों ही अक्यूट एंगल से, तो क्या तीनों ही ये पूरा ट्राइंगल ही एक अक्यूट एंगल ट्राइंगल बना? यस। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर अक्यूट एंगल ट्राइंगल्स? यस। बट क्या सारे अक्यूट एंगल ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल? रॉन्ग। क्यों 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 क्यों? ये देखना, ये एक ट्राइंगल बना है जिसमें ये है 50 डिग्री, ये है 30 डिग्री, एंड लेट्स से 30 नहीं, ये ले लेते हैं 60 डिग्री, और ये बचा मेरा 60 और 70 डिग्री। ये तीन एंगल्स का मैंने ट्राइंगल बनाया, 50 60 70 का, तीनों एक्यूट हैं। यस। बट क्या ये इक्विलेटरल है? नो। तो सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल विल बी अक्यूट एंगल्स, बट सारे अक्यूट इक्विलेटरल नहीं होंगे, ठीक है। ट्राइंगल बहुत टाइप के बन सकते हैं। तो व्हाट इफ अगर कोई एक भी एंगल 90 डिग्री का हो जाए, एक भी एंगल 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, तो ट्राइंगल का नाम चेंज हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज राइट एंगल, ठीक है, मतलब कि कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का बन जाए तो वो राइट एंगल बनेगा, पर दिखेगा कैसा? वो इस तरह का दिखेगा, हमेशा इस तरह का दिखेगा, मतलब वो इस तरफ ऐसे उल्टा हो सकता है, वो यूं बन सकता है, बट इसमें एक एंगल हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा, जिसको हम ऐसे डब्बा बना के, जो कि ये दो लाइंस बना के डिनोट करते हैं, ये 90 डिग्री का इसको देखा तो 90 डिग्री है, क्वेश्चन में कहीं कुछ गिवन नहीं है, बट मुझे ये लाइन दिख गई मुझे दो साइड्स के बीच में, दैट मीन्स इट इज अ 90 डिग्री का सिंबल, ठीक है। हमें लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि 90 डिग्री है, हम सिर्फ सिंबल बना के बता देंगे कि हाँ इट इज 90 डिग्री। तो एक एंगल 90 डिग्री हुआ तो ये बन जाएगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। इन द सेम वे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी बनते हैं जब वो एंगल 90 से भी बड़ा हो जाए, मतलब कि एक एंगल भी ऑब्ट्यूज बन जाए या फिर 90 डिग्री से ज्यादा बन जाए तो उसे बोला जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, विच मीन्स कि जैसे ये 90 डिग्री था, क्या ये एंगल 90 से ज्यादा है? यस, बिल्कुल ज्यादा है, ये इतना उत्तू सा पोर्शन ज्यादा हो गया ना, तो दिस इज अ ए बी सी, और ये मैं डी लिख रहा हूं, तो ट्राइंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और ट्राइंगल ए बी सी इज अ विच वन, इज अ विच वन, इट इज अ ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है। डन। चलिए आगे बढ़ा जाए, अब हम आते हैं थ्री डायमेंशनल शेप्स पे। ओके, थ्री डायमेंशनल शेप्स क्या क्या होती है हमारी? देखो बहुत इजी है थ्री डायमेंशनल शेप्स भी, ये होती है हमारी बेसिक थ्री डी शेप्स जो हम रेगुलरली देखते हैं, आपके स्फीयर, स्फीयर मतलब बॉल, कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, कॉस्को वाली जो बॉल खेलते हैं आप लोग, क्रिकेट वाली बॉल, है ना, कोई मर्जी बॉल, स्फीयर होती है। स्फीयर मतलब गोला, गोलाकार बोलते हैं हिंदी में, आप कुछ भी बोल लो स्फीयर होता है। सेकेंड थिंग आती है आपका क्यूब, क्यूब के बेस्ट एग्जाम्पल्स आपके पास होते हैं डाइस, सांप सीढ़ी लूडो खेलते हुए डाइस काम आता है, या फिर हमारा कुछ बच्चों के घर पे रूबिक्स क्यूब भी पड़ा होगा, सो रूबिक्स क्यूब भी होता है। रूबिक्स क्यूब जिनको नहीं पता, वो कलर वाला क्यूब आता है ना, सब 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 फेसेस पे एक कलर करना होता है फिक्स वाला, व्हाइट रेड ग्रीन ये सब आते हैं, वो होता है रूबिक्स क्यूब। क्यूबॉइड बेस्ट एग्जाम्पल, इरेजर, अप्सरा का नॉन डस्ट इरेजर काफी बच्चे यूज करते हैं जितना मुझे पता लगा है पढ़ाते पढ़ाते, सो अप्सरा का नॉन डस्ट इरेजर इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है। सिलेंडर कैसा दिखेगा? अरे सिलेंडर तो आपको पता है,
ये रहा पानी का ग्लास या फिर वाटर बॉटल। अब फैंसी बॉटल है तो इतना हटा देना, ये वाला पार्ट इट इज अ सिलेंडर। ठीक है, कौन कौन क्या आएगा, एक सेकेंड मैं ग्लास लिख दूं, कौन क्या आएगा। अरे भाई आइसक्रीम, आइसक्रीम जिस जिसने खाई आइसक्रीम कोन को पता है नीचे कौन आता है पूरा, राइट। कैसा दिखता है मैं दिखा दूंगा अभी 3D मॉडल के साथ, डोंट वरी। पिरामिड, पिरामिड इजिप्ट, इजिप्ट के पिरामिड याद आ जाएंगे। प्रिज्म, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तब समझ आएगा। ठीक है, तो चलो पहले बढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ अ 3D फिगर पे। 3D फिगर पढ़ने से पहले हम उसके पार्ट्स पढ़ लेते हैं ताकि हम सबको इजीली डिफरेंशिएट कर पाए। ठीक है, सो देर आर थ्री थिंग्स इन ना एवरी 3D फिगर। हमारे पास उसका फेस होता है, हमारे पास उसके वहां पे एजेस होती है और वर्टेक्स होती है। अरे सर ये क्या बता दिया, व्हाट इज अ फेस, व्हाट इज एन एज, व्हाट इज अ वर्टेक्स। तो देख लेते हैं क्या होता है। देखो डाइस, डाइस अपने दिमाग में इमेजिन करो, सामने पड़ा है तो ले आओ, क्या उस पर नंबर लिखे हुए हैं, 1 से लेके 6 तक नंबर लिखे हुए हैं, है ना। नंबर नहीं लिखे तो डॉट्स बने हुए हैं, 1 ऐसे करके, 2 ऐसे करके, 3, या फिर किसी किसी डाइस में ऐसे भी बना होता है, 4 वाला भी होता है, राइट। तो उन जहां जहां वो जिस सरफेस पे वो बने हुए हैं उस सरफेस को बोला जाता है अफेस। जिस सरफेस से बता रहा हूं वापस से बोल के, जिस सरफेस पे वो नंबर्स बने होते हैं उस सरफेस को बोला जाता है फेस। तो आप क्या बोलोगे, एक क्यूब के अंदर कितनी सरफेस हुई, 6 लिखा हुआ है तो 6 सरफेस हुई क्यूब के अंदर। अच्छा मैंने स्लैश क्यूबॉइड भी लिखा है, मैं इसका मतलब बता दूंगा वाई स्लैश क्यूबॉइड लिखा है, बट अभी के लिए ये याद रख लो क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर फेसेस बराबर होते हैं। फिर एजेस की बारी आती है। अब देखो नंबर 1 और नंबर 2 कहां मीट कर रहे हैं, क्या वहां एक लाइन बन गई। मान लो ये नंबर 1 था मेरे डाइस का और लेट से यहां पे बना हुआ था मेरा नंबर 2, ठीक है, और लेट से यहां बना हुआ था मेरा नंबर, कौन सा बनेगा, 5 के बाद 4 बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एजेस बनती है, ये वाला फेस और ये वाला फेस मिलके ये लाइन क्रिएट कर रहा है, दिस इज एन एज। 1 और 4 मिलके ये लाइन क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज एन एज। 2 और 4 मिलके ये लाइन क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज एन एज। इसको बोला जाता है एज। और ये टोटल 8 होती है हमारे क्यूब एंड क्यूबॉइड में बराबर। आप अपना सामने क्यूब रखो, आपको ऊपर मिलेगी 1 2 3 4, एक सेकेंड, 8 नहीं होती, सॉरी माय बैड, 12 होती है, मैंने कुछ गलती से लिख दिया यहाँ पे। 4 ये हो गई, क्या 4 ऊपर की तो 4 नीचे की भी आएगी, और क्या 4 साइड वाली भी आएगी, 1 2 3, और ये पीछे वाले पॉइंट की नीचे जुड़ जाएगी वहां जाके। ये देखो मैं पूरा ही बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं आपको कि रेड कलर से दिखाता हूं। देखो ये रही फर्स्ट एज, सेकेंड सामने की दिखा रहा हूं, थर्ड, ये रही फोर्थ, ये रही फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ये पीछे वाली 11, और ये 12, ये हो गई 12 मेरी एजेस यहाँ पे। अच्छा तो फिर वर्टेक्स क्या हुआ, जहां पे ये एजेस मिल रही है वो वर्टेक्स है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये देखो। ये वाली एज और ये वाली एज और ये वाली एज मिल रही है इस पॉइंट पे, ये है एक तीखा पॉइंट, ठीक है, आप बोलोगे स्मूथ भी आता है बट एक कॉर्नर है ये, कॉर्नर इज एन एज। प्लूरल वर्टेक्स का होता है वर्टिसेस, तो क्या हमारे पास 8 वर्टिसेस होंगे। सब क्यूब को इमेजिन करो सर, ऊपर 4 पॉइंट नीचे 4 पॉइंट होते हैं, यस 8 वर्टिसेस। बट मैं अभी इसको और डिटेल में समझाऊंगा विद द मॉडल, सो डोंट वरी, अभी भी नहीं समझ आया तो आ जाए, तब तक के लिए क्यूब एक सामने लाके रख लो या फिर एक इरेजर सामने लाके रख लो, ठीक है। सो यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं क्यूब और क्यूबॉइड बार बार क्यों बोल रहा हूं हर डेफिनेशन में, तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। ये है मेरा एक क्यूब, लेट्स जस्ट से कि ये बड़ा क्यूब है, क्या मुझे सामने इसके 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4। मैंने इसको घुमाया, मैंने इसको रोटेट किया, 4 पॉइंट्स देखना साथ में रहना ही, 4 पॉइंट पीछे चले गए, 4 पॉइंट पीछे चले गए, ये 4 नए पॉइंट आ गए, आ गए। तो क्या मेरे पास 8 वर्टिसेस बने, यस। मैं फेस की बात कर लूं, लेट से ये वाली 1 फेस है, ठीक है, लेट से ये वाली मेरी फर्स्ट फेस है, क्या इसके साइड में एक और होगी, क्या उसके साइड में तीसरी, और क्या उसके साइड में चौथी फेस हो जाएगी। 4 फेसेस ये रहे, एक ऊपर और एक ये नीचे वाली, टोटल 6 फेसेस। अब बचे हमारे यहाँ पे क्या बचे,
हमारी एजेस बची। देखो ये सामने चार एज आ गई, सामने चार आ गई, चार पीछे भी आएगी, चार ये नीचे वाले की एजेस आ गई, चार ऊपर चार नीचे, और चार ये देखो ये एक दो ये तीसरी और ये जोड़ने वाली चौथी, चार ऊपर चार नीचे और इन दोनों को जोड़ने वाली चार एजेस, जैसे कि ये दो गई ना वैसे ही इस पॉइंट को यहां पे एक पॉइंट होगा, ऐसे करके ड्रॉ करके दिखा रहा हूं समझाने के लिए, इजीली समझ आ जाएगा। इस पॉइंट को यहां ज्वाइन करने के लिए एक एज और आएगी नीचे, और इस पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए एक एज और आएगी नीचे, ऊपर की चार नीचे की चार, चार बीच की टोटल हो गई 12 एजेस, ठीक है। और वाई क्यूब और क्यूबॉइड सेम होता है, देखो अपने इरेजर को कैसा लग रहा है, उसको किसी ने पकड़ के खींच दिया हो क्या, अपने रूबिक्स क्यूब या किसी भी डाइस को पकड़ के थोड़ा सा स्ट्रेच कर पाओ तो क्या वो एक क्यूबॉइड ही बन जाएगा, क्या वो इरेजर की तरह दिख जाएगा। तो बच्चा क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर वो दोनों, क्यूबॉइड इज सिंपली अ स्ट्रेच्ड क्यूब, सो उसके फेस एजेस एंड वर्टिसेस सेम नंबर के रहेंगे, बस लेंथ चेंज रहेगी, है ना, एज की खींचोगे तो लेंथ बदल जाएगी बट रहेंगे तो सेम ही, वो एज तो एज ही रहेगी। ओके सिलेंडर, सिलेंडर भी हम रोज देखते हैं हमारी लाइफ में, है ना, ग्लास ऑफ वाटर, वाटर बॉटल एग्जाम्पल बता दिया मैंने आपको, बट सिलेंडर दिखता कैसा है मैथ्स के हिसाब से। सो दिस इज अ सिलेंडर, देखो क्या नीचे एक सर्कल आना चाहिए, यस, क्या ऊपर एक सर्कल आना चाहिए, यस, क्या बीच में ज्वाइनिंग के लिए कोई और सरफेस बनी होगी, यस। तो ये लो थोड़ा सा घुमा के देख देते हैं, नीचे वाली हो गई एक फेस, ऊपर वाला हो गया एक और फेस, और बीच वाला पार्ट हो गया तीसरा फेस, सो देयर आर टोटल थ्री फेसेस। फिर एजेस की बात कर लें तो दो दो सरफेस मिलके एज बनाती है ना, बताया था वन और टू नंबर मिलके एक लाइन बनाते हैं, तो देखो ऊपर वाली सरफेस और ये वाली सरफेस मिलके ये सर्कल बना रही है, क्या ये सर्कल एक एज का काम करेगा, और सेम ये वाली और ये नीचे वाली मिलके ये एक सर्कल बना के दे रही है, तो क्या मेरी दो एजेस हुई और कोई एज नहीं है। अब आप ये पूछोगे सर ये क्या है, बेटा ये कुछ नहीं है, ये पुश पूरा नहीं आ पा रहा, वरना एज एज दिख रही है पर है नहीं, एक्चुअली पूरा घूमने वाला एरिया है ना, इसीलिए दिस इज नॉट अ एज। तो हमारे पास एक सिलेंडर के अंदर तीन फेसेस और दो एजेस आ गई। अब जब एजेस मिलती है, व्हेन एवर द एजेस कट, क्या मैंने ऐसे एजेस बना के कट कराई थी यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले एक स्क्वायर के अंदर, राइट ना, बट एजेस तो कट होनी चाहिए एक पॉइंट बनाने के लिए, बट यहाँ तो सरफेस ये एजेस मिल ही नहीं रही। जब एजेस नहीं मिल रही तो कोई वर्टिसेस भी नहीं बनेगा, क्या हमारे सिलेंडर में कोई भी तीखा पॉइंट आता है, क्या सब कुछ स्मूथ स्मूथ है, क्या कोई भी कॉर्नर मिलता है इसमें, नहीं ना, तो देर इज नो कॉर्नर इन इट। जिन बच्चों को डाउट हो रहा है थोड़ा सा पीछे करो, हाथ में एक वाटर का पानी का ग्लास लो जो इस तरह का दिख रहा हो, कांच का ले लो स्टील का ले लो, बट जो इस तरह का दिख रहा हो आप उसको यूज करके अभी समझ सकते हो, ठीक है। आइसक्रीम कोन बेस्ट एग्जाम्पल, मुझे पसंद भी है और समझाने में इजी रहता है। सो आपने कोन देखा बर्थडे कैप उल्टी लगी होती है या कोन आपने पकड़ा होता है, ये होता है कोन के एग्जाम्पल। कोन कैसा दिखता है, ऐसा, ये बर्थडे कैप ले लेते हैं, क्या इसके नीचे एक सर्कुलर शीट है जो कि पूरा कवर कर रही है, तो इट इज फर्स्ट फेस। क्या ये पूरा एक स्मूथ होता है, चारों तरफ से स्मूथ घूम रहा होता है, कहीं कोई कटिंग नहीं आती, जैसे कि इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में कटिंग आती है ना ये वाली, क्या ऊपर वाली पूरी सरफेस में कटिंग होती है, नहीं। तो टोटल दो फेसेस, मतलब मैं कटिंग इसलिए बोल रहा था कि दो डिफरेंशिएट कर पाओ, है ना, तो नीचे की एक फेस बीच की एक फेस, टोटल टू फेसेस हो गए, तो मैं यहां लिख दूंगा टू फेसेस। दो फेसेस अब मिलेगी तो एक लाइन बनेगी विच इज दिस सर्कल, तो क्या मैं बोल सकता हूं इसकी वन एज होती है, और एक ही एज है बट ये पॉइंटी है इसके अंदर, तो क्या ये वन वर्टेक्स बोला जाएगा, एक है तो वर्टेक्स, प्लूरल होता तो वर्टिसेस, ठीक है, एक वर्टेक्स एक एज और दो फेसेस, जो कि यहां आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ये लीजिए, ठीक है, दो फेस एक एज और एक ही वर्टेक्स। थर्ड काइंड ऑफ फिगर कम्स आउट हमारे सामने जो आता है, इट इज अ प्रिज्म। ओके तब तक तो थोड़ा बच्चा पानी पी लेता है। प्रिज्म इज अ ट्रिकी थिंग, आपको प्रिज्म और पिरामिड में डाउट्स हो जाएंगे, तो सबसे बढ़िया एग्जांपल सामने रखते हैं हमारे अपना इरेजर। आई नो इरेजर इज अ क्यूबॉइड बट एक बार सामने रखो, मैं समझाता हूँ कैसे।
प्रिज्म एक ऐसा 3D फिगर है जिसके दो एंड्स पे सेम 2D फिगर होता है। 2D फिगर बोले तो, 2D फिगर बोले तो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, कोई भी पॉलीगन। पॉलीगन्स आर 2D और 3D हम पढ़ रहे हैं। तो दोनों तरफ कोई 2D फिगर होता है जिसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया होता है। तो क्या आपके इरेजर में दोनों तरफ एक रेक्टेंगल बना हुआ है? क्या उन दोनों रेक्टेंगल्स को ज्वाइन करने के लिए चार लाइंस आ रही है? तो क्या क्यूबॉइड एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो गया? जिस फिगर, जो दो 2D फिगर के बीच में लाइन ज्वाइंड होगी उसी का नाम दिया जाएगा, ये एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो गया। बट ये अकेला नहीं होता, ये रहा आपका इरेजर आपके सामने, काले कलर का ले लो। क्या ये रहा एक रेक्टेंगल? क्या पीछे एक रेक्टेंगल होगा? क्या ज्वाइन करने के लिए इसकी वन टू और नीचे वाली थर्ड और नीचे वाली के साथ में फोर्थ लाइन आ जाएगी? ये रही थर्ड लाइन जा रही, ये रही फोर्थ लाइन। क्या मेरी चार लाइनें मिल गई मुझे स्ट्रेट लाइंस ज्वाइन करते हुए? तो दिस इज अ प्रिज्म, बट इट इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल प्रिज्म, इट इज अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म? रेक्टेंगुलर प्रिज्म। तो एक सेकेंड सर, एक सेकेंड रुक जाओ, बच्चे की आवाज में बोलते हैं, सर एक सेकेंड रुक जाओ ना। रेक्टेंगुलर प्रिज्म में रेक्टेंगल होता है, अगर मैं वहां पर ट्राइंगल बना दू तो इट विल बी अ ट्राइंगुलर प्रिज्म। ट्राइंगुलर प्रिज्म कैसे होगा? ये रहा ट्राइंगुलर प्रिज्म, और पेंटागोनल भी होता है भाई। ट्राइंगुलर प्रिज्म इस तरह का दिखेगा, सामने ट्राइंगल, पीछे ट्राइंगल, और बीच में वन टू और थ्री लाइन ज्वाइन टुगेदर, बीच में रेक्टेंगल बन गया, बीच में रेक्टेंगल बन गया। बट दो ट्राइंगल्स के बीच में तीन रेक्टेंगल्स बने हैं ना स्ट्रेट लाइन पे, तो दिस इज अ ट्राइंगुलर प्रिज्म। बट आपको एक चीज समझ आई होगी, जब हमने ये वाला प्रिज्म लिया था तो यहाँ पे दो रेक्टेंगल थे राइट, और इसके बीच में चार लाइंस ने ज्वाइन करके चार और रेक्टेंगल बनाए थे। दो रेक्टेंगल, हर रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती है? वन टू थ्री फोर। चार साइड वाले रेक्टेंगल ने चार रेक्टेंगल अलग से बनाए। ट्राइंगल में तीन साइड्स होती है, क्या यहाँ पे वन टू और नीचे एक और बन जाएगा ट्राइंगल? तो क्या यहाँ पे दो ट्राइंगल्स के बीच में मेरे तीन रेक्टेंगल्स बने? वाई, क्योंकि हर ट्राइंगल के अंदर थ्री साइड्स होती है, तो थ्री रेक्टेंगल्स आ जाएंगे बीच में। समझ आया? तो आप डायरेक्टली आंसर कर पाएंगे कि पेंटागोनल प्रिज्म में दो पेंटागन बनेंगे, दो पेंटागन बनेंगे, और उनको ज्वाइन करने वाली पांच लाइंस बनेगी बीच के अंदर इसके, है ना? थोड़ा सा गंदा सा डायग्राम दिख रहा होगा, बट आप इमेजिन कर सकते हैं, सिर्फ इमेजिन करना। दो पेंटागन बने हैं, बीच में पांच लाइंस बनी है, तो मतलब कि सर वहां पे दो पेंटागन्स आएंगे, और क्योंकि पेंटागन के अंदर पांच साइड्स होती है, पांच रेक्टेंगल्स मिल जाएंगे बीच में, दोनों के बीच में पांच रेक्टेंगल मिल जाएंगे। हेक्सागोनल में दो हेक्सागन्स के बीच में छह रेक्टेंगल, राइट? बेसिक, बहुत बेसिक, बहुत अच्छे समझ जाएंगे। इसके बाद लास्ट चीज आती है हमारे पास, पिरामिड। अगर आपको प्रिज्म समझ आया तब पिरामिड में आना, वरना प्रिज्म एक एग्जांपल से अपना इरेजर ले लो, या फिर इरेजर इस शेप का भी आता है, इस शेप का इरेजर ले लो, आपको समझ आ जाए, फिर आप पिरामिड में मेरे साथ आओ। एक पिरामिड ऐसा 3D फिगर है जहां पे जो बेस होता है उसके सारे वर्टेक्स को एक पॉइंट पे ज्वाइन कर देते हैं। सुनना वापस से, एक बेस होता है जिसके सारे पॉइंट को एक पॉइंट पे ज्वाइन कर देते हैं, जैसे कि पिरामिड। सर मुझे पिरामिड मैंने कभी देखा ही नहीं। आप क्यों एग्जाम्पल बता रहे हो? हमने मूवीज में तो देखा है, हमने एग्जाम्पल्स में तो देखा है। पिरामिड के नीचे क्या एक स्क्वायर बना होता है? स्क्वायर के बेस के चारों पॉइंट से एक एक लाइन जाके पॉइंट बन रहा होता है। जिस जिस को इमेजिन हुआ बढ़िया, बाकी बच्चे वापस से आओ मेरे पास, मैं फिर से इमेजिन कराता हूं। नीचे एक स्क्वायर बना दो, आंख बंद करो, एक स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर बन गया, चारों पॉइंट को ऊपर ज्वाइन कर दो, क्या मेरा इजिप्ट का पिरामिड आ गया? राइट? नहीं समझ आया अभी भी? किलो मॉडल। क्या नीचे एक स्क्वायर आ गया, क्या चारों पॉइंट्स को ऊपर ज्वाइन करा है, क्या चारों पॉइंट्स को ऊपर ज्वाइन करा है स्ट्रेट लाइन से, बट इस बार चारों पॉइंट्स में एक ही तरफ स्क्वायर है, एक ही तरफ स्क्वायर है, एक ही तरफ स्क्वायर है। अगर ये प्रिज्म होता तो दो तरफ स्क्वायर होते, बट एक पिरामिड के अंदर एक ही तरफ आपका बेस आएगा। इसका नाम क्या बोला जाएगा? क्या मैं इसे सिंपली एक पिरामिड बोल दूं? ना ना ना, इट इज नॉट अ सिंपली पिरामिड, इट इज अ स्क्वायर पिरामिड।
बेस जो बना हुआ है उसका नाम यहां दो और फिर पिरामिड आगे लिख दो, दिस इज द काइंड मेन डेफिनेशन। ओके, और इसके अंदर फेसेस कितने बने, देखो बच्चा नीचे तो एक फेस ये रहा, एक फेस ये रहा, इस साइड के ऊपर एक फेस, इस साइड पे एक फेस, तो ये दोनों साइड को क्यों शर्मा रहे हो, टू फेस उनके हो गए, चार तो ट्राइंगल के और एक बेस का क्या पांच फेसेस बने। सर इसके नीचे 1, 2, 3 और 4 तो एजेस दिख रही है मुझे, फिर ये वाली यहां 6, 7 और एक पीछे भी ट्राइंगल है, 8 एजेस, और क्या ये एक ही पॉइंटी फिगर है, नहीं ये भी पॉइंटी है, 2, 3, 4 और 5, 5 वर्टिसेस। आप इसको सिर्फ इमेजिन कर लोगे तो ही समझ आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। पिरामिड, तो एक ही पिरामिड थोड़ना होगा, ट्रायंगुलर पिरामिड भी आएगा, स्क्वायर आपको बता दिया, तो ट्रायंगुलर तो ऐसा दिखेगा जिसका बेस एक ट्रायंगल होगा, उस ट्रायंगल के तीनों साइड्स के जो तीनों पॉइंट्स होंगे इनको ज्वाइन करके यहां बना दिया जाएगा। ये दो तो दिख रहे हैं फेस आपको, इस पे ध्यान देना। ठीक है, मैं घुमा रहा हूं, ये देखना क्या ये वाला भी ऊपर ज्वाइंट है, क्या ये वाला भी ऊपर ज्वाइंट है, क्या ये तीसरा पॉइंट भी ऊपर ज्वाइंट है, तो मेरे पास क्या बन के आया, अगर मेरा बेस ट्रायंगल है तो मैं इसको ट्रायंगुलर पिरामिड बोलूंगा, और इस ट्रायंगुलर पिरामिड का एक और नाम होता है, फेमस नेम होता है टेट्राहेड्रॉन। टेट्रा मतलब चार, बेस पे एक ट्रायंगल, ये रहा एक ट्रायंगल, ये रहा एक ट्रायंगल और एक पीछे ट्रायंगल, चार ट्रायंगल से बना एक 3D फिगर टेट्राहेड्रॉन बोला जाता है, ट्रायंगुलर पिरामिड बोला जाता है। ठीक है, क्लियर। इसके अंदर कितने सरफेस, सर चार ट्रायंगल्स है ना, तो चार फेसेस, सर चार ट्रायंगल्स है ना, 1, 2, 3, 4 एजेस के, सॉरी 4 वर्टिसेस दिख रहे हैं, तो 4 वर्टिसेस, और ये 1, 2, देखो नीचे के 3 एजेस और ऊपर के 3 एजेस, तो 6 एजेस, 4 वर्टिसेस एंड 4 फेसेस वाला होता है टेट्राहेड्रॉन। आप इमेजिन करो एक पेंटागन बनाया, पेंटागन की पांचों पॉइंट को ऊपर चिपका दिया, पांचों पॉइंट को ऊपर चिपका दिया, तो आप क्या बोल क्या होगे कि पेंटागोनल पिरामिड में नीचे एक सरफेस, पांचों साइड से एक एक सरफेस निकलेगी, तो क्या टोटल 6 फेसेस बन जाएंगे पेंटागोनल पिरामिड के अंदर। सर बिल्कुल समझ आया, सर ऊपर एक पॉइंट तो बनेगा, नीचे जो बेस है ना उसके टोटल पॉइंट्स बता दो मेरे को, नीचे है पेंटागन, जैसे यहाँ ट्राइंगल में 3 थे तो 3 पर 1 4 हो गए थे, पेंटागन में बेस पे 5 पॉइंट्स होंगे और ऊपर 1 होगा, तो 6 वर्टिसेस हो जाएंगे। और इसी के साथ सर सर्फ साइड्स कितनी, देखो ट्रायंगल के बेस का काउंट किया था, ऊपर उतने ही एक्स्ट्रा डाल दिए थे, नीचे 3 तो ऊपर 3, तो भाई 10 हो जाएगी पेंटागोनल के अंदर, 5 बेस की और 5ों ही ऊपर पॉइंट तक जाती हुई, 10 एजेस, 6 फेस 6 वर्टिसेस 10 एजेस। आपको ये समझ आया होगा जरा सा कि जो डायग्राम दिया हुआ है हेक्सागोनल दे रखा है, तो फेस के अंदर तो क्या करना, हेक्सागोनल का 6 प्लस 1, ठीक है, वर्टिसेस के अंदर, वर्टिसेस के अंदर भी 6 प्लस 1, टॉप वाला अकाउंट होगा, एंड एजेस के अंदर 6 × 2, 6 नीचे की 6 ऊपर की, तो ये बन गया डायरेक्ट फॉर्मूला, 7 फेस 7 वर्टिसेस 12 एजेस। ये आपको बस इतना ही समझने का है, दैट्स इट। आपके चैप्टर में मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या सारा ही कवर हो गया है। ठीक है, आपको जिसको अभी भी समझ नहीं आया मैंने क्या किया है, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको लाइंस एंड एंगल समझाया, दूसरी क्लास में इन्हीं से जो डायग्राम्स बनते हैं वो समझा है, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, 3D फिगर्स। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द क्लास बच्चों। इसके अलावा कोई बच्चा अगर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो उसके फायदे मैं आपको बता सकता हूं कि लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, आप घर बैठ के कंफर्ट से पढ़ाई कर सकते हैं, आप वहां पे अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हैं हमारे कोर्सेज का, कितनी मर्जी बार देखो कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा टॉप एजुकेटर्स मिल जाएंगे इंडिया के एक ही प्लेटफॉर्म पे, रेगुलर डाउट सॉल्विंग एंड आंसर रेडी सेशन मिल जाएंगे आपको, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस मिल जाएगा आपको, मेंटरशिप गाइडेंस मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्म में, विच आर द नोट्स आप अपने फोन या लैपटॉप में डाल के रखो, आप उनका प्रिंट आउट ले लो, कॉपी में लिख लो, कुछ मर्जी आप कर सकते हैं, एंड प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिल जाएंगे, लाइव टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, बैच कोर्सेज मिल जाएंगे बहुत सारे बैचेस के। इसके अलावा प्राइसिंग की बात कर लें अगर हम, तो बहुत सस्ता कोर्स है, 15,000 का कोर्स है, सिर्फ ये 15,000 का, सर नहीं, ऐसे ही बोला वो तो मैं,
MANN10 का कोड यूज कर लेना, 10% ऑफ मिल जाएगा, 13,500 के अंदर ये कोर्स मिल जाएगा आपको। 2 ईयर का अगर आप लोगे तो 25,000 वाला 22,500 का मिल जाएगा। ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब के लिए वैलिड है। और यही कोर्स के अंदर, मान लो आप ये पूछोगे कि सर 2 साल का कोर्स मैं क्यों बाय करूं व्हेन आई एम इन द सिक्स्थ क्लास, सिक्स क्लास का बच्चा देख रहा है, तो मुझे सेवेंथ में फिर वापस से नया कोर्स लेना पड़ेगा? नहीं बच्चा, 2 ईयर कोर्स के अंदर आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब मिलेगी एक साथ। तो अगर आपने 6 कंप्लीट कर ली मान लो, तो आपका 1 साल बच गया, उसके अंदर आप 7th का यूज कर पाओगे। मान लो अभी आपकी क्लास खत्म होते हुए 5 मंथ्स बचे हैं, 5 मंथ्स में आप अगर आपने कोर्स खरीदा, तो 24 मंथ्स का कोर्स लेने के बाद 19 मंथ्स रह गए, 19 मंथ रह गए, तो उसको आप 7th में यूटिलाइज कर लेना, 12 महीने। सर फिर भी 7 महीने रह गए, वो 8th में यूटिलाइज कर लेना। सो बाय द कोर्स एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि कोई वेस्टेज नहीं है यहाँ पे। एंड अगर आप फिर इसके अलावा बड़ा कोर्स लेना चाहते हैं, आइकॉनिक वाला, वहां पे पर्सनल मेंटोर मिल जाएगा, लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस मिल जाएगी अलग से स्पेशली आपके लिए, वीकली रिपोर्ट्स मिल जाएगी आपकी स्टडीज की, पेरेंट्स के साथ मीटिंग हो जाएगी टीचर्स की ताकि वो ज्यादा ध्यान दे सके आप पे, स्टडी प्लानर मिल जाएगा, एंड अनअकैडमी प्लस वाले सारे बेनिफिट्स तो आइकॉनिक में है ही। इसके अलावा आइकॉनिक वाला बच्चा अगर कोई चाहता है तो 28,000 का कोर्स है, आपको MANN10 के कोर्स से 25,200 का मिलेगा। 2 ईयर कोर्स 48,000 वाला 43,200 का मिलेगा सिर्फ। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड अकेडमी की तरफ से। एंड लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जिसको भी क्लासेस पसंद आई हो, जिसको भी स्टडीज में हेल्प हो रही हो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि सबको ये क्लासेस मिले अच्छे से। ओके, थैंक यू सो मच, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।